अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड 19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड 19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हिमाचल के प्रसिद्ध लोक गायक डॉक्टर मदन झालटा अपने परिवार सहित बीते एक माह से ससुराल में फंसे हुए हैं। स्वयं लॉकडाउन का पालन करते हुए वे गीत संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। डॉक्टर झालटा ने गीत संगीत के माध्यम से कोरोना से लड़ने वाले वीरों को सलाम किया। वहीं प्रदेश की जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन उस तरह है जैसे हम 18 दिन दवा का कोर्स करते हैं और 19 दिन स्वस्थ हो जाते हैं, हमें उसी तरह घरों में रहकर कोरोना को खदेड़ना है। उन्होंने कहा कि हम सभी का कर्तव्य है कि हम प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए भारत माँ को कोरोना मुक्त बनाएं। नमस्कार, दिव्य मास्टर टीवी में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने गायकी और संगीत के क्षेत्र में हिमाचल का ही नहीं बल्कि भारतीय प्राचीन संस्कृति का भी नाम रोशन कर इन्होंने अपनी कला का खूब वखान किया है। ये किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, जानी मानी शख्सियत। इनका नाम है डॉक्टर मदन झालटा। तो इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमें मालूम हुआ विश्व महामारी कोरोना में आप भी लॉकडाउन में फंसे हैं और पिछले 18-20 दिनों से सिलाई में लॉकडाउन का पालन आप कर रहे हैं, तो इस दौरान आपको यहाँ कैसा महसूस हो रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैं दिव्य हिमाचल के माध्यम से पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में ये बताना चाहता हूँ कि जिस जिला में मेरा ससुराल है ये वास्तव में मेहमान की इज्जत करता है और इतना संस्कारी ये जिला है जिसको सिरमौर के नाम से लोग जानते हैं। तो ऐसा दामाद इस घर में मैं रिश्ता लेकर आया था, तो नाम दामाद है लेकिन रोल बेटे का अदा कर रहा हूँ, ऐसी शख्सियत है सिरमौर। तो ये पिछले एक महीने से मैं अपने ससुराल में हूँ, तो इतना अच्छा मुझे यहाँ लगा है और बहुत केयरिंग पेरेंट्स सभी लोग जितने भी मेरे यहाँ चाहने वाले हैं, मेरे लोकगीतों को जिन्होंने भी सुनाई, जितने भी लोगों ने, काफ़ी लोगों के फ़ोन्स भी आते रहे कि कहाँ हैं आजकल आप, क्या कर रहे हैं। तो मैंने सबको बताया कि मैं लॉकडाउन का पालन कर रहा हूँ, इस महामारी से हमें सिर्फ हमारा लॉकडाउन ही बचा सकता है, अदरवाइज़ कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है आज तक, हमें खुद को रोकना पड़ेगा। तो मैं अपने लॉकडाउन में अपने ससुराल में ही कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि इस लॉकडाउन में हम कुछ एक्स्ट्रा भी करें, क्योंकि अपनी ज़िंदगी तो बस संगीत ही पूजा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हमारे गुरुजन, मेरे गुरुजी प्रोफेसर आर एस शांडिल जी ने हमें मेहनत करना सिखाया है, रियाज करना सिखाया है, तो बस वही करते रहते हैं। दुनिया भर में अनेकों गीत बने हैं, लोगों ने अपनी अपनी भावनाएं गानों के माध्यम से अपने अपने शब्दों से लोगों को समझाने की कोशिश की है। मैं भी बैठा था लॉकडाउन का पालन करते हुए, दो चार लाइनें आप सभी के लिए, अपने देशवासियों और प्रदेशवासियों के लिए मैंने कंपोज करी है, तो आपके बीच मैं रखता हूँ। तो सुनिए डॉक्टर मदन झालटा द्वारा रचित कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए ये इनके गीत और संगीत में, इनके लय में ये गीत। ओ कोरोना
आई महामारी मेरे देश में, घर डर गांव परदेश में, आई महामारी मेरे देश में, घर डर गांव परदेश में, छोड़ साहब। आजकल पाश्चात्य संस्कृति का दौर है, हमारी मूल प्राचीन सांस्कृतिक विरासत जो है, जो हमारे बुजुर्ग हमें छोड़ गए थे, आपका उसे जिंदा रखने में बहुत बड़ा सहयोग है। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप कोई एक धार्मिक, यहाँ की प्राचीन विरासत जो हमारे बुजुर्ग हमें छोड़ गए, इस तरह का कोई गाना जो आपके एल्बम में भी आपने गाया हो और जो लोगों को भी कुछ मायने रखता हो, तो मैं चाहूँगा कि आप दिव्य हिमाचल टीवी के माध्यम से लोगों को अपने मुखारविंद से वो गाना सुनाए। मुझे अच्छा याद है कि एक मेरा सॉन्ग यहाँ के देवता को लेकर एक दुर्गा महाराज जी के ऊपर आया था, तो वो लोगों ने काफी पसंद किया है और मैं कोशिश करता हूँ। राग भीमपलासी में कुछ मैंने निबद्ध किया था, तो मैं वो आपको सुनाता हूँ। ओ तेरे में
ਸੁਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਬੋਲੋ ਸੂਲੇ ਲੂਣੇ ਖਾਣੋ ਖਾਸੋ ਕਾਂਦਾ ਨਾ ਚੁੱਟਾ ਸ਼ਿਲਿਓ ਚੋਰੀ ਦਾਨਾ ਸ਼ਿਲਿਓ ਚੋਰੀ ਦਾਨਾ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ਾਰੇ ਸ਼ਿਲਿਓ ਚੋਰੀ बोलो रेणु के चालो रे ओ मेरा लागा रेणु के पगिए दे हाय बोलो पगिए दे झालो रे खेलाय माता रे पगिए दे झालो रे खेलाय माता रे बोलो पगिए दे झालो कोरोना का लॉकडाउन है उसमें आप बंधे हैं, लेकिन आपका समय तो बड़ा अच्छा व्यतीत हो जाता होगा। आपकी पत्नी यहाँ है, आपके सास ससुर जी भी यहाँ है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा या आपसे उम्मीद करूँगा कि अपने ससुराल शिलाई वासियों को क्षेत्र वासियों को आप कोरोना के प्रति लड़ने के लिए क्या संदेश देंगे। सब लोगों ने अपने अपने विचारों में बहुत सारी बातें ऐसी कही है जिसका पालन शायद हम कर भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले एक महीने से, मुझे ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आने वाले 15 दिन, अगर ये 15 दिन हम अपने घर में जी लेते हैं, मर लेते हैं, जैसा भी आप लोग समझते हो दोस्तों, अगर एक 15 दिन अगर हमने लॉकडाउन में निभा दिए, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारा पूरा प्रदेश, पूरी साल हमारी बच जाएगी। अदरवाइज़ कोरोना एक नेटवर्किंग है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और इसका पता नहीं चलता है कि कभी किस तरह से लोगों में ये वायरस जो है फैल रहा है। तो अगर हम अपना जो बाहर आना जाना ये बंद नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग जो प्रधानमंत्री के द्वारा हमें निर्देश दिए गए हैं अगर उसका पालन नहीं करते, तो पूरी साल भर हम लोग इसकी चपेट में आते रहेंगे। आज मैं आ गया, कल कोई मेरा पड़ोसी आएगा, परसों के लिए कोई मेरा गांव का आएगा, चौथ के लिए कोई और आएगा, तो ये नेटवर्किंग चलती रहेगी और पूरे साल भर हम इसी की चपेट में, हमारी हर व्यवस्था जो हमारी जितनी भी व्यवस्था है सामाजिक आर्थिक सारी हमारे राजनीतिक सारा तहस नहस कर देगी ये बीमारी। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ 15 दिन की टैबलेट है, जैसे हम दवाइयों का कोर्स पूरा देते हैं, डॉक्टर बोलता है कि 15 दिन तक खाइए, तो 15 दिन तक घर में रहने की ये दवाई खाइए, और ताकि 15 दिन बाद जब आप बाहर निकलो तो अपना पहले जैसे हम पहले जीते थे, पहले अपने सोसाइटी में रहते थे, फ्रीडम थी, आज़ादी महसूस करते थे, 15 दिन बाद वो आज़ादी हमें दोबारा मिलेगी, हम दोबारा उसी जीवन को जी पाएंगे अगर हमने ये 15 दिन दोबारा आने वाले सही महीने से व्यतीत कर लिए। तो ये थे डॉक्टर मदन झाल्टा, इन्होंने कोरोना के प्रति जागरूक और सतर्क रहने की बात की, लॉकडाउन का पालन करना, अपने घरों में रहना, सोशल डिस्टेंस बनाए रखना इन्होंने बताया है। तो आपका मनोरंजन भी किया इन्हीं चंद शब्दों के साथ, आपका दिव्य हिमाचल से जुड़ने का आभार। मैं शिलाई से उदय भारद्वाज, दिव्य हिमाचल टीवी के लिए।